सागर के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत रतौना गांव में एक तेंदुआ 60 फीट गहरे कुएं में गिर गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर तेंदुए को बाहर निकाला। रतौना गांव में तेंदुए के कुएं में गिरने की खबर मिलने के बाद ग्रामीण इकट्ठा हुए, जिसके बाद वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने नौराधोई अभयारण्य की रेस्क्यू टीम को भी मौके पर बुलाया। रतौना से लगा पूरा जंगली क्षेत्र दक्षिण वन मंडल में आता है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी के आसपास जंगली क्षेत्र है, संभव है कि तेंदुआ भूखा हो और शिकार की तलाश में खेत में आया और कुएं में गिर गया। वहीं अब गर्मी बढ़ने से भी जंगली क्षेत्रों में जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिसकी वजह से पानी की तलाश में तेंदुए के आने की संभावना जताई जा रही है। संभागीय मुख्यालय और नौराधोई अभ्यारण्य होने के बाद भी वन विभाग के पास इस तरह के संसाधन नहीं है कि तेंदुए को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता। वन अमले को तेंदुए को बाहर निकालने के लिए भोपाल से रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा। भोपाल से आई रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज करके बाहर निकाला। करीब 18 घंटे बाद तेंदुए को बाहर निकाला जा सका, जिसके बाद भोपाल से आई वन विहार की टीम तेंदुए को भोपाल लेकर आ गई। सागर वन विभाग के DFO ने बताया कि तेंदुआ कुएं में गिरने के कारण घायल हो गया था, इसलिए उसे इलाज के लिए भोपाल भेजा गया है। आज सुबह 10 बजे एक लेपर्ड के कुएं में गिरने की सूचना मिली थी, तो उसके बाद हमारी वन्य प्राणी टीम यहाँ पहुँची थी, तो पता चला था कुएं में पानी है और तेंदुआ ही कुएं में गिरा हुआ है। तो उसको निकालने के लिए हमने भोपाल में वन विहार से हमने वन्य प्राणी चिकित्सक को बुलाया गया, जिसे डाट किया जा सके और ट्रैंकुलाइज करके उसके बाद उसके छोड़ने के लिए उसकी कंडीशन का इलाज किया जा सके, देखा जा सके। सर, नर है कि मादा, कितने साल का है? नर तेंदुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमने जब रेस्क्यू कर लिया उसको ट्रैंकुलाइज करके, तो उसमें कुछ उसने अपने आप रात में 12-1 बजे के लगभग गिरा होगा इसमें, तो उसने अपने आप को कुएं से बाहर से निकालने के लिए खुद को इंजर कर लिया था, तो उसमें कुछ इंजरी पाई गई, जिनके इलाज के लिए अभी 15 दिन का लगभग वन्य प्राणी चिकित्सक द्वारा बताया गया कि 15 दिन इलाज करना है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।